हमेशा से नेताओं की नेतागिरी का शिकार देश का किसान व युवा वर्ग ही रहा है और चुनावी समर में पार्टी नेताओं के द्वारा इन दोनों को केंद्र में रखकर इनके हिमायती होने का दंभ भरा जाता है और रंगीन सपने दिखाए जाते हैं, परंतु जीत हासिल करने एवं कुर्सी मिलने के बाद चुनावी समर में सुर्खियों में बने रहने वाले ये लोग तथा इनकी समस्याएं रातों रात पार्टियों के एजेंडे से गायब हो जाती है। तब इन्हें अपने चले जाने का आभास होता है, तब मुसीबत का मारा कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या करने को विवश हो जाता है, तो वही रोजगार न मिलने के कारण परेशान देश का युवा वर्ग राजनेताओं के द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलकर पकौड़ा बेचने का मार्ग प्रशस्त कर अनेक हथकंडे अपनाने लगता है जो इसके हित में नहीं जान पड़ता है। तो आइए दिखाते हैं राजनेताओं के द्वारा चुनावी समर के केंद्र में रहे किसान व युवा वर्ग के हित में हिमायती होने का दंभ भरने वाले बदहाल किसानों की चश्मदीद कहानी कि अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई गन्ने की फसल को बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए सरकार एवं नेताओं की उपेक्षा का दंश झेलते हुए आधे अधूरे दाम पर अपना गन्ना प्रेसरों पर बिचौलियों के हाथ बेचने पर विवश हैं, जबकि जनपद में कई चीनी मिलें संचालित हैं और चुनावी समर में चुनाव के दौरान देश के मुखिया के द्वारा कई बंद पड़ी चीनी मिलों का चलवाने का वादा भी किया गया था। तो देखिए और सुनिए जनपद कुशीनगर के अंतर्गत विजयपुर बाजार में क्रेशरों पर गन्ना बेच रहे किसानों की कहानी उन्हीं की जुबानी। सरकार गन्ने का उचित रेट नहीं दे रही है और पर्ची नहीं मिल पा रहा, तक किसानों के पास बहुत ऐसे किसान हैं जिनका खूंटी गन्ना नहीं गिरा है और उनका सट्टा पर्ची एक भी नहीं आया है, तो इससे अब ज्यादा क्या प्रमाण है। सरकार कह रही है ना, लेकिन कर नहीं रही है। ऐसे वादा तो इन्होंने 5 साल पहले किया था, 15 लाख रुपए देने के लिए, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसी तरीके से 500 रुपए वाला भी है, नहीं बिल्कुल नहीं, पूरे किसान संतुष्ट नहीं है, ये केवल ढोंग है। सरकार के खिलाफ जनता आने वाले 19 मई को जबरदस्त उनके खिलाफ में मतदान करेगी और उनको सत्ता से दूर करेगी। किसान का इसमें सत्ता से इनको बेदखल करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होगी और सबसे बड़ा समस्या इसमें गन्ना किसानों का होगा। भाजपा को छोड़ के जितने लोगों ने किसानों के हित की बात की उसमें कुछ न कुछ उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई है कुछ नहीं की। आज किसान मजबूर है, 325 रुपये का गन्ना का दाम है और 160 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। अब सरकार ने ये कहा था कि किसानों का आय दूना कर देंगे, लेकिन 2 साल में 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है, पर्ची नहीं मिल रही है। हम किसान हैं, हमारे नाम से खेती है, हमारे नाम से हर साल सट्टा आता था, इस साल अब तक 6-5 महीने तकरीबन फैक्ट्री चलते हुआ हो गया, लेकिन एक भी सट्टा पर्ची नहीं मिली। विरोधी है, किसान विरोधी सरकार है, उद्योगपतियों और व्यापारियों की सरकार है और इसमें इसके मैनिफेस्टो में इसके कहीं तरीके किसी तरीके से किसान है ही नहीं। और एक बार फिर चुनावी समर शुरू है और फिर देश का किसान और युवा वर्ग ही पार्टियों के केंद्र में रहते हुए सुर्खियों में है। क्या ये लोग फिर चले जाएंगे या इनका कोई मददगार भी होगा, यह आने वाला वक्त ही बता सकता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से टाइम्स एटी न्यूज के लिए अकराम उल्ला खान की रिपोर्ट।